राजधानी के सियासी गलियारों में इन दिनों एक खास बंगले को लेकर हलचल तेज है। 27 सफदरगंज रोड स्थित लुटियन जोन्स के इस बंगले में अभी पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रह रहे हैं। चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में जगह बनाने वाले मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी ये बंगला पसंद है। सिंधिया की इस बंगले से पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वो इसी में रहें। लेकिन मंत्री पद से हटने के बाद भी निशंक बंगला खाली करने के मूड में नहीं है। उन्होंने इसे खाली करने से भी इनकार कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बंगले के प्रति मोह की एक खास वजह है। उन्होंने यहाँ अपने पिता माधवराव सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ लंबा समय गुजारा है। इसलिए बीजेपी में आने के महीनों बाद तक, जब तक कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिल गई, वे दिल्ली में ही अपने निजी आवास में रहे, लेकिन बतौर राज्यसभा सांसद अलॉट होने वाले आवास में नहीं गए। अब जबकि वे नागरिक उड्डयन मंत्री बन चुके हैं और उन्हें बंगला अलॉट किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वो चाहते हैं कि सफदरगंज के मकबरे के पास वाला ये बंगला ही उन्हें अलॉट किया जाए। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 27 सफदरगंज रोड वाला ये बंगला खाली करने के मोड में कतई नहीं है। ऐसे में मामला फंस गया है। सिंधिया इस बंगले के सिवाय दूसरा लेना नहीं चाहते, वहीं निशंक बंगला छोड़ने को राजी नहीं है।